साई राम, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो आज हम पाठ 14 अह का अभ्यास सीखने वाले हैं। अह का अभ्यास जिसमें अक्षर के बाद दो डॉट दिए जाते हैं उसे हम विसर्ग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ 14 अह का अभ्यास। तो अभी हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र में क्या कर रहे हैं? नमः, नमः, नमः मतलब बोविंग। तो कैसे बना शब्द? न प्लस म प्लस आह की मात्रा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। नमः, नमः। तो जितने भी विसर्ग वाले लेटर्स रहते हैं, जितने भी अह मात्रा के अक्षर रहते हैं, तो उनका उच्चारण हमें अह ऐसे करना है, जैसे नमः। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है, इसे हम इंग्लिश में 6 कहते हैं, हिंदी में 6 कहते हैं, 6। तो कैसे बनाइए? 6 प्लस अह की मात्रा, विसर्ग, इसे विसर्ग भी कहते हैं, 6। ये है प्रातः, प्रातः। सब में हमें उच्चारण के टाइम पे ह की साउंड सुनाई दे रही, प्रातः, प्रातः। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रा प्लस त प्लस आह की मात्रा, प्रातः, प्रातः। यह है दुख। क्या है ये? दुख। वो लड़का दुखी दिखाई दे रहा है ना, तो इसे इसलिए दुख, दुख मतलब सौरो। दू प्लस आह की मात्रा प्लस ख, दुख, दुख। अब इसी तरह हम और शब्द भी देख लेते हैं। पुनः, पुनः, पुनः। पु प्लस न प्लस आह की मात्रा, तो प को हमने कौन सी मात्रा लगाई है? छोटे ओ की मात्रा लगाई है। पुनः, पुनः। अब ये है क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। क्र प्लस म प्लस श प्लस आह की मात्रा, क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। निःसंकोच, निःसंकोच, निःसंकोच। कैसे बना शब्द? नी प्लस आह की मात्रा प्लस संग प्लस को प्लस च, निसंकोच, निसंकोच, निसंकोच। यह है निशब्द, निशब्द, निशब्द। बनिए शब्द नी प्लस आह की मात्रा प्लस श प्लस, यहाँ पे है जोड़ अक्षर ब को हमने द लगाया, द। नी प्लस आह की मात्रा प्लस श प्लस द, निशब्द, निशब्द। निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क। नी प्लस आह की मात्रा प्लस शु प्लस क, निःशुल्क, निःशुल्क।
निशुल्क, प्रायः प्रायः प्रायः, प्रा प्लस य प्लस आ की मात्रा, प्रायः प्रायः प्रायः, अंततः अंततः अंततः, अन प्लस त प्लस त प्लस अह की मात्रा, अन प्लस त प्लस अह की मात्रा, अंततः अंततः अंततः। यह मूलतः मूलतः मूलतः, मू प्लस ल प्लस त प्लस अह की मात्रा, मूलतः मूलतः, मू प्लस ल प्लस त प्लस अह की मात्रा, मूलतः मूलतः। अभी हम देखते हैं पाठ जिसमें आ स्वर से बने हुए वाक्य है। गुरुजी नमो नमः, गुरुजी नमो नमः, प्रातः के छह बज गए, प्रातः के छह बज गए, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। विस्तार में देखते हैं, यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें गुरुजी ने कुछ वाक्य लिखे हैं और एक लड़का उसे पढ़ रहा है। तो हम भी फिर से पढ़ेंगे, गुरुजी नमो नमः, गुरुजी नमो नमः, गुरुजी को प्रणाम कर रहा है, नमो नमः। प्रातः के छह बज गए, प्रातः के छह बज गए, तो अर्ली मॉर्निंग के कितने बजे हैं, सिक्स, प्रातः के छह बज गए, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। कभी ये लड़का स्टडी करने के लिए बैठने वाला है, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। फिर से एक बार पाठ पढ़ लेते हैं। गुरुजी नमो नमः, गुरुजी नमो नमः, प्रातः के छह बज गए, प्रातः के छह बज गए, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं ये पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। तो बताइए इसको क्या कहते हैं, ये जो लड़का कर रहा है, नमः, प्रणाम कर रहा है ना, नमः, बोविंग, नमः नमः। अब ये इसे क्या कहते हैं, छ छ छ, ये है प्रातः प्रातः, अर्ली इन द मॉर्निंग प्रातः। ये है दुख
दुख दुख रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स गुरुजी डैश गुरुजी नमो नमः गुरुजी नमो नमः प्रातः के छह बज गए डैश में पढ़ने बैठ रहा हूँ आंसर अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो अभी हमने आह स्वर से बने हुए वाक्य देखे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए। तो इस पाठ में जो आह स्वर से बने हुए शब्द है वाक्य है आपको भी अच्छे से पढ़ने हैं और अलग अलग नए नए शब्द जो आह स्वर से बने हुए हैं वो पढ़ने की कोशिश भी करनी है। आह मात्रा को हम विसर्ग भी कहते हैं और हमें उसे विसर्ग ही कहना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए और ये पाठ को भी पढ़िए और पाठ में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो भी अपने बुक में लिख लीजिए और पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।